नमस्कार जोहार, मैं शिखा स्वरूप आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। हम सभी के जीवन में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और मानसिक रूप से भी। लेकिन आज के इस वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही एक गंभीर समस्या है जिससे सभी देश के लोग जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर घर में एक व्यक्ति बीमार ज़रूर रहता है। जो सक्षम है वो अपनी बीमारी का इलाज करवा लेते हैं, जो सक्षम नहीं है वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते। कभी कभी तो उन्हें अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए घर, जमीन, जेवर सब बेचना होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली गरीब वर्ग के लोगों के लिए, आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। पूरे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी की वजह से सही ढंग से अपना इलाज नहीं करवा पाते, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन गरीब वर्ग के लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। अगर आपने भी अभी तक अपना आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनवाया है और आयुष्मान भारत का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो इसका लाभ उठाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जो आयुष्मान भारत से पंजीकृत हो वहाँ जाइए और अपना आयुष्मान कार्ड बनाइए, जिसे हम गोल्डन कार्ड, ई कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बोलते हैं। अगर आपको इस आयुष्मान भारत का लाभ उठाना कोई भी मुश्किल हो इस योजना के लाभ उठाने से, तो आप आयुष्मान मित्र से मिल सकते हैं। वो आपकी हर समय मदद करेंगे और पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलते हैं वेरो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाते हैं उन लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। इसी सोच के साथ आज से लगभग 7 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के लोग, मध्य आय वर्ग के लोगों के साथ साथ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना से संबंधित जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं चैनगढ़ा, इनके पंकज कुमार बैदिया के घर में। इनका आयुष्मान के तहत इनका एक जिला के ही एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ था। इनका एक्सीडेंट हो गया था, यहीं बुरकुंडा में ही सड़क दुर्घटना हो गया था और इनका कूल्हा का फ्रैक्चर, थाई फ्रैक्चर और हैंड फ्रैक्चर हो गया था। तो समस्या काफ़ी गंभीर थी और चूँकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, और लेकिन यहाँ पे जब प्राथमिक उपचार होने के बाद में इनको एक निजी अस्पताल में जब ये गए, वहाँ जब इन्होंने जब अपना सर्जरी का बात किया तो वहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए का इनका खर्च बताया। चूँकि आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण, चूँकि ये मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं ये इनके भैया, तो इन लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी विकट है। फिर इन्हें अस्पताल में ही सदर अस्पताल से किन्हीं के द्वारा पता चला कि आयुष्मान भारत के तहत इनका इलाज फ्री में हो सकता है, तो जिला के ही एक सूचीबद्ध अस्पताल में इनका सारा उपचार फ्री में हुआ और ये काफ़ी अभी रिकवर कर गए हैं और समय समय पे अभी इन्हें ड्रेसिंग मिल ही रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड बेड़ो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र आसपास क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में आयुष्मान भारत योजना के लाभुक बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था का लाभ उठाकर खुश हैं। क्या क्या सुविधा मिला? बहुत चीज, सब चीज़ का सुविधा, नर्स, डॉक्टर, सब कोई मेरा बहुत अच्छा से हेल्प किए और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा से सक्सेसफुल हुआ और अभी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी ठीक है, फिर मैं भी ठीक हूँ।
यहाँ के इलाज से बहुत संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। डॉक्टर्स का, नर्स का व्यवहार कैसा था यहाँ? बहुत अच्छा, सब कोई नॉर्मल बात करते हैं, बहुत अच्छा से समझाए और मतलब हिम्मत भी दिए कि मतलब नर्वस नहीं होना है, अच्छा से होगा कह के, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा तो मन में घबराहट हो रहा था कि मतलब ऐसे ही में हम नहीं पड़े थे कि मेरा डिलीवरी ऐसे इस टाइप में होगा कह के, तो सीजेरियन हुआ तो थोड़ा डर था। हाँ, डर जैसे लग रहा था, मगर अब आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। एम का बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे फील्ड में भी जाते हैं और यहाँ विशेष हम डिलीवरी रूम में हैं, तो ज़्यादातर तो हम डिलीवरी रूम में ही अपना कार्य देते हैं। अब डिलीवरी रूम में कार्य करती हैं तो जो महिलाएं जो लिवर पेन से लगी रहती हैं, उन महिलाओं को क्या बतलाती हैं? जो यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, यहाँ पे प्रसव के लिए आती हैं, तो उनको क्या बतलाती हैं, किस तरीके से उनके मनोबल को उठाती हैं? उनको बताते हैं कि मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर औरत को इस तरह का दर्द होता है, इस दर्द से आपको सफ़र करना ही होगा। उसको संतवना देते हैं कि मतलब आप घबराइए नहीं, सब चीज़ हम लोग हैं आपके मतलब सेवा के लिए तत्पर हैं, सब आपका माँ बहन हैं, सब इस तरह से उनको सजेस्ट करते हैं और उनको मनोबल देते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका हम यहाँ सुरक्षित प्रसव कराएंगे, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का प्रसव की जो महिलाएँ आती हैं तो क्या क्या सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है प्रसव के लिए? सारा चीज़ सुविधा देते हैं उसको, जितने तरह का फूडिंग भी देते हैं, दवा भी देते हैं और डिस्चार्ज के समय भी दवा देते हैं, इनके बच्चा के लिए भी मतलब सारा चीज़ देते हैं बच्चा को। अभी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं, घर में उनका प्रसव हो रहा है, तो अस्पताल में प्रसव हो इसके लिए आने जाने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे ममता वाहन की सुविधा है, वो निःशुल्क है? निःशुल्क है, 108 भी है, ममता वाहन है। अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने से अब किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जहां लाभुक अपना दस्तावेज की जांच कराकर गोल्डन कार्ड बना सकता है, इसके बाद वह अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है। वहां सत्यम अस्पताल था, वहां एडमिट कराया, वहां चार्ज बहुत ज़्यादा लगने लगा, इसके बाद हम लोग सोचे कि कैसे अरेंज करें, इसके बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ सामने में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, इसके बाद वहाँ से निकाल कर दुर्गा नर्सिंग होम में ले गए हैं। वहाँ पर कार्ड के द्वारा इलाज हुआ। हाँ, एक आदमी है आशीष जी, वो सदर अस्पताल में शायद कार्यरत हैं, उसको फ़ोन किए, वो बताया कि आयुष्मान के द्वारा हो जाएगा, वहीं नज़दीकी दुर्गा नर्सिंग होम है, वहाँ पर ले जाइए, तो वहाँ पर ले गए। वहाँ पर बोला गया कि आप अपना राशन कार्ड ले आइए और जो आयुष्मान कार्ड का पर्ची होगा वो लाइए। फिर हम लोग ले गए आयुष्मान कार्ड और ये राशन कार्ड, इसके बाद वहाँ बोले कि हाँ इससे हो जाएगा, अगर यहाँ कार्ड भी बना देंगे हम लोग, उन लोग बनवा दिए। तो जब कार्ड आपको बनवा दिए बोलो तो आपका इलाज की जो प्रक्रिया थी वो फिर कैसे की प्रक्रिया, आपको इलाज की और क्या क्या आपको लाभ मिला अस्पताल से? वहाँ प्रक्रिया हुई कि वहाँ एडमिट ले लिया गया, जिसके बाद डॉक्टर इलाज करा और डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर बोला कि इसको तीन जगह प्रॉब्लम है, जांग टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है और कमर में फ्रैक्चर है, इसके लिए स्टील प्लेट लगेगा और इसका हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है तो इसका 8 यूनिट ब्लड लगेगा। हम लोग इधर उधर से दोस्त यार से अरेंज कराएँ ब्लड, लगभग 5 यूनिट चढ़ने के बाद इसका ऑपरेशन वगैरह हुआ। भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये लाभ गरीब तबका को मिले, सभी को मिले, और आयुष्मान से जो नहीं जुड़ा है वो ग्राम पंचायत
से जाकर बात करके है ना उससे बनवाए। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे में देखने को मिलती है। एक लाभुक ने बताया कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहां कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। ये हम लोग आए थे, एक मैटर है, हमारी जिला परिषद सदस्य है, गंगोत्री जयपुर विधायक है, कुछ इश्यू था यहाँ अंचल कार्यालय में, उस इशू को लेके ही हम लोग आए थे डेलीगेट मीट करने के लिए। डेलीगेट मीट करने के बाद थोड़ा सा अजीब से बेचैनी, बक्की उल्टी, फीवर इस टाइप से लग रहा था, तो इसीलिए फिर चूँकि जिला परिषद यहीं पर है, हॉस्पिटल यहीं पर है, तो बोले चलिए जाके आपको कम से कम दिखा दें। अभी कैसे यहाँ आने के बाद सब डॉक्टर सब तो दिख रहे हैं, डॉक्टर मिले, चेक हो गया। मेन तो है कि आप आइएगा तो डॉक्टर मिलना जरूरी है, अभी तो हमें डॉक्टर से मिल ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अगर सुविधाओं की बात करते हैं, क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रहा है पेशेंटों को? अब ये तो हम आज हम पहली बार आए हैं, आज पहली बार आए हैं, हमारा क्षेत्र नामकुम है, पहली बार आए हैं, बीमार हुए तो दिखाने के लिए, अब उसके लिए तो मुझे जानना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा तभी। और यहाँ संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? हिंदी टोको। अभी तो बहुत अच्छा है, देख रहे हैं, पर पहले आए थे उस समय तो बहुत गंदगी थी। जैसे आयुष्मान भारत योजना आया है, अस्पताल की साफ सफाई की बात करें, इलाज की बात करें, दवाओं की बात करें, डॉक्टर उपलब्धता की बात करें, कितना बेहतर हुआ? अभी तो बहुत बेहतर दिख रहा है। कैसा लगता है यहाँ पर? अभी आके देखे तो अभी तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राजेश कुमार है, हम आयुष्मान मित्र पर पद पर कार्यरत हूँ। अगर हम आयुष्मान मित्र की बात करते हैं, आपका कार्य दायित्व क्या है, क्या आपका कार्य है? यहाँ पर जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य पे, तो इलाज करवाने के दौरान जो भी आते हैं, तो वहाँ पर आने पर मरीजों को बोला जाता है कि आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल लाए हैं। जो एडमिट होते हैं उस पेशेंट के लिए बोलते हैं, उसके बाद जब वो लोग लाते हैं तो उसका राशन कार्ड को हम अपना लैपटॉप में या कंप्यूटर जो भी है अपने साइड में सर्च करते हैं। सर्च करने पर उसका नाम जो पाते हैं उसको फिर सर्च करके बाद उसका कार्ड बनाते हैं। कार्ड बना के बाद फिर उसका मुफ्त इलाज होता है जितना भी पेशेंट होता है, उसके बाद उसको कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आयुष्मान कार्ड बनाने की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत है, और क्या आपके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, यहाँ तो आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, ये सारे कार्ड की जरूरत पड़ती है और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो जिन पेशेंट का आयुष्मान कार्ड बन जाता है क्या सुविधा उनको मिलता है? वो उनको यहाँ पर हमको कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उसका कार्ड को लेकर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस लोग को मुफ्त इलाज दिया जाता है, अच्छा से जो भी जो दवा हुआ जो प्रोवाइड है, खान पान की व्यवस्था नहीं किया जाता है। मेरा नाम है विक्टोरिया बरला, मैं ग्राम बड़कापुरा की सहिया हूँ। जी हाँ, गांव का अंतिम घर तक स्वास्थ्य को पहुँचाना। तो कैसे ये काम करती हैं आप, लोग अंतिम पायदान तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सके, तो क्या कैसे काम करती हैं? सर, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताना और गांव से अस्पताल तक हम लोग का काम है पहुंचाना। गर्भवती माताओं को किस तरह मदद करते हैं? गर्भवती माताओं को हर माह हम लोग एनसी जांच करवाने के लिए लाते हैं 9 तारीख को, और प्रसव के लिए भी हम लोग पहले से तैयारी करने के लिए बोलते हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जब गांव में जाती लोगों से मिलती है तो क्या बतलाती है आयुष्मान भारत के बारे में? वही बताते हैं कि राशन कार्ड है कि नहीं है, पूछते हैं हम लोग। बहुत कोई महिला का तो मायके में है तो यहाँ ससुराल में नहीं है, और मायके में का कुलाने बोलते हैं तो नाम काट गया बोलते हैं बहुत कोई महिला, तो और नहीं बन पाता है वही समय। तो देखा आपने किस तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ के लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे गरीबों के लिए ये योजना संजीवनी साबित हो रहा है। तो चलिए कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और आपको लेके चलते हैं लापुंग, और वहाँ मिलाते हैं चिकित्सक पदाधिकारी से और आयुष्मान भारत के तहत उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, जोहार। आयुष्मान भारत के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लापुंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं।
और यहाँ आयुष्मान भारत से होने वाले लाभ के बारे में यहाँ के डॉक्टर और मरीजों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना से लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर नमिता आशावंती लकड़ा है, मैं यहाँ प्रभारी हूँ CHC लापोंग। आप मैडम CHC लापोंग प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं, आयुष्मान भारत की बात करें, जैसे आयुष्मान भारत योजना आई है, अस्पतालों में क्या बदलाव देखने को मिला है? देखिए, पहले हम लोग को जैसे कि अपनी सुविधा देने में बहुत कुछ, जैसे सरकार का बहुत सारा योजना पहले से तो चला आ रहा है, लेकिन इधर कुछ सालों से हम लोगों को दवा की कमी हो जाती थी, जो कि जब से आयुष्मान भारत आ गया है अब हम लोग को थोड़ा सा जैसे फंड जनरेट भी हो रहा है पेशेंट को, जो देख रहे हैं हम, सुविधा भी मिल रहा है पेशेंट को भी सुविधा मिल रहा है, प्लस उन लोग को जो हम लोग दवाएँ दे रहे हैं वो हम लोग ईजीली परचेज करके उनको दे पा रहे हैं। अगर आपके अस्पताल में सुविधाओं की बात करते हैं, जब पेशेंट दिखाने के लिए आता है, क्या क्या सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है? हमारा तो देखिए यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र हो जाता है, तो इसीलिए बोलिएगा यहाँ हमारे यहाँ सारा सुविधा सेटअप तो है, लेकिन स्टाफ की कमी भी है, उसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को, मरीज को सारी सुविधाएं दें, तो उसमें जैसे कि डिलीवरी रूम में सारा जच्चा बच्चा का सारा चीज़ होता है, प्रसव सुरक्षित प्रसव के साथ साथ बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो रहा है, फील्ड में NM है जो कि भारी कमी के बावजूद वो लोग टीकाकरण कर रही हैं, साथ में यहाँ सहिया हैं, सहिया का भी अच्छा हम लोग को सहयोग मिला हुआ है। अगर जांच की बात करते हैं, जो मरीज दिखाने के लिए आते हैं, किस तरह की जांच की आवश्यकता पड़ती है, खून जांच की आवश्यकता पड़ती है या एक्सरे की पड़ती है, तो कौन कौन से जांच यहाँ पे हो जाता है? एक्सरे की सुविधा अभी यहाँ पर है, हालाँकि टेक्नीशियन हम लोग को बहाल किया हुआ है, अपने सरकारी नहीं होकर NGO के तहत है, लेकिन हमारा सुविधा दे रहे हैं, प्लस हम लोग हमारे पास लैब टेक्नीशियन हैं, उनसे सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी जो बड़ी बीमारियों के लिए जो जांच होने चाहिए वो सब सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि मलेरिया TB ये सब तो हो ही जाता है। और जो खान पान की बात करते हैं, लाभार्थी के लिए तो जैसे कि सरकार के द्वारा मुफ्त भोजन का सुविधा है 72 घंटे तक के लिए, तो वो तो हम लोग देते हैं। आपने बताया कि लापूस में बढ़ते क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होगा, बहुत सारे पेशेंट जो है आ नहीं पाते हैं, तो आने जाने की क्या व्यवस्था, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है? जी हाँ, एम्बुलेंस में हमारे पास खुद का नहीं है, लेकिन 108 है जो कि रन करता है यहाँ पे, प्लस ममता वाहन है जो कि पेशेंट लेके यहाँ आता है। जब से आयुष्मान भारत योजना आया, सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का विश्वास कितना बढ़ा? पहले से तो बढ़ा ही है, उनको मुफ्त इलाज मिल रहा है यहाँ पर, और पेशेंट भी इजीली पहुँच रहे हैं यहाँ, वो चीज़ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापूंग में किस तरह के मरीज अक्सर यहाँ सर्दी बुखार यही सब आते हैं, और एक्सीडेंटल वगैरह तो इमरजेंसी में आते ही आते हैं, ज़्यादा वैसा अलग से कुछ नहीं आते हैं, और गर्भ वाली जांच सब के लिए पेशेंट आते हैं। दवाओं की बात करते हैं, आपने इसमें बात की ना कि वो पेशेंट भर्ती होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कोई दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता है? नहीं, सब चीज़ अभी हमारे पास उपलब्ध है। नहीं, अगर कोई दवा उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? वैसे परिस्थिति में तो देखिए, हम लोग तो पहले अपने आयुष्मान भारत के तहत भी जो दवा हमारे पास रूटीन में नहीं है, तो वो हम लोग अस्पताल खरीद करके उनको देती है, और साथ में खान पान की सुविधा भी देती है। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, जिसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकते, तो प्रचार प्रसार बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आपके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकती है? प्रचार तो देखिए सहिया करती ही है गाँव के में, प्लस अभी जो पखवाड़ा भी हुआ था उनका कार्ड बनवाने का, जिसमें हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग रहा, सहिया की तरफ से भी पूरा सहयोग रहा, गांव में उनको बनाने का भी टारगेट मिला था, जिसमें वो उन्होंने काम अच्छा किया है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, जब आयुष्मान भारत योजना आई है जी, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापूंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव है?
आयुष्मान भारत योजना आने के बाद ना मतलब बहुत सुधार हुआ है। पहले हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन आज के डेट में अब क्या है कि हमारे पास सारा मेडिसिन अवेलेबल है। मतलब छोटे इवन कि छोटे बच्चे से लेकर इन्फेंट से लेकर के बड़े सभी का मेडिसिन है हमारे पास। हमेशा एंटी रेबीज, एंटी स्नेक, जो भी आवश्यक दवा है उपलब्ध रहती है, और इससे आम जनता को भी बहुत लाभान्वित हुए हैं इस योजना से, क्योंकि उन्हें जब भी हॉस्पिटल आते हैं फ्री में सारा दवा सब कुछ मिल जाता है। हाँ, क्योंकि लोग जो पहले क्या है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको एकदम समय पे दवा मिल जाता है, सारा वैरायटी ऑफ ड्रग्स मिलता है। जैसे भी इन्फेंट के बच्चे को देखे, छोटे बच्चे का, तो हमारे पास 5 तरह का एंटीबायोटिक है छोटे बच्चे का, तो इसी तरह से बड़े का भी 7 तरह का ड्रग है। तो आदमी लोग लाभान्वित हो रहे तो संतुष्ट भी हैं, और हमेशा 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो इससे आदमी लाभान्वित हो रहे और संतुष्टप्रद भी सेवा मिल रहा है। हाँ, जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट होती है तो जीएसएस के तहत गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न है, जीएसएस के डाइट के तहत उन्हें 3 टाइम का खाना मिलता है पेशेंट को। तो देखा आपने किस तरह लापुंग और बेरो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लोग जुड़कर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। मानव शरीर में स्वस्थ बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसके बिना जीवन अपूर्ण है। तो आप भी स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और आयुष्मान भारत को अपनाइए। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।